गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। टुडे वी स्टार्ट क्लास 6 एक्सरसाइज 8.3। मतलब 8.3 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए विच इज ग्रेटर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए विच इज ग्रेटर, क्वेश्चन नंबर 1। बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो का फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहां से जाके आप बाकी सारी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपसे बोला गया विच इज ग्रेटर, ठीक है। विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर में देखिए बेटा आपके पास ए आपको यहाँ पे है 0.3 एंड 0.4, 0.3 एंड 0.4 आपसे बोला गया है, क्लियर है। तो 0.3 और 0.4 में देखिए बेटा यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 0.4 हमारा ग्रेटर होगा, लेकिन अभी तसल्ली हम क्या करेंगे 3/10 एंड 4/10। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस साइड मल्टीप्लाई, इसको इस साइड 30 एंड 40। नाउ ये अंडरस्टूड है, बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है। तो हमारे पास 40 जो होगा वो ग्रेटर होगा 30 से, दैट मीन्स आपका 0.4 आपका ग्रेटर होगा 0.3 से। समझ आई आपको बात है, 0.4 आपका ग्रेटर होगा 0.3 से, क्लियर है। अगला देखिए हम यहाँ पे बी पार्ट देखते हैं इसका। बेटा बी पार्ट में देखिए आपको इसी तरीके से करना है, 0.07 एंड 0.02। अगर आपको पता चल रहा है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज देखिए 0.07, 0.02, 0.7 बाय 100 एंड 2/100, 7/100 एंड 2/100। तो देखिए इस 100 को इधर मल्टीप्लाई, इस 100 को इधर मल्टीप्लाई, 7 बाय, तब कितना हो 7 into 100 आपके पास आ जाएगा, और दूसरा आपके पास आ जाएगा 2 into 100, 700 यहाँ पे एंड है बीच में आपका, एंड 200, 700 एंड 200। नाउ 700 इज ग्रेटर देन 200, 700 इज ग्रेटर देन 200, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा 0.07 इज ग्रेटर 0.02। ये आपका ग्रेटर आ गया, 0.07 आपका क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 0.02 से, क्लियर है। थर्ड देखते हैं सी, सी पार्ट देखिए 3 एंड 0.8। आपको साफ दिख रहा है कि 3 ग्रेटर है पॉइंट से, लेकिन फिर भी देखिए आप इसी तरह से करते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। 8/10 यहां मल्टीप्लाई तो 30 एंड 8, तो देखिए आपका 30 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 8 से, तो 3 ग्रेटर देन 0.8 से आपका क्या हो गया बेटा, आपका ग्रेटर हो गया, क्लियर है बेटा आपका, ठीक है। अब देखिए इस पार्ट में देखें, जब आपके सेम पे पॉइंट होता है तो वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं आती ढूंढने में, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया ताकि आप किस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ पे कोई ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बिकॉज आपका 3 है, 0.8 लिखा है, अंडरस्टूड है कि 3 आपका ग्रेटर होगा 0.8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास डी पार्ट, अगर हम देखें तो डी पार्ट में आपका 0.5 एंड 0.05, तो देखिए 5/10 एंड 5/100, क्लियर है बेटा यहाँ पे। अब आपके पास देखिए 5/10 क्योंकि आपका सिंगल है, यहाँ पे दो डिजिट है, यहाँ पे देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको 5 into 100 and 5 into 10, तो 500 and 50, तो देखिए बेटा 500 अंडर हियर इज 500 इज ग्रेटर, 500 इज ग्रेटर देन 50, 500 क्या है आपका ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है आपका 50 से ग्रेटर है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.5, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, क्लियर है। तो इस पोजीशन के लिए, यहाँ पे जहां पे आपको दिक्कतें आती है उसके लिए मैंने स्टार्टिंग से ही सारे सम्स को इस तरह करा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आपका सिंगल पॉइंट था, आपका 10 लगा दिया, डबल पॉइंट पे आया, आपके टू डिजिट आए पॉइंट के बाद 100 लगा दिया, सॉल्व कर लिया, आई वी कैन गेट इजिली विच नंबर इज ग्रेटर देन द अदर, ओके। नोट डाउन करिए, चलिए इसका आप एफ देखते हैं, क्लियर बेटा, इतना आपने नोट कर लिया होगा। एफ पार्ट देखिए इसका, एफ पार्ट में देखिए बेटा इसका 0. एफ पार्ट है आपके पास 0.099 और 1.9 और आपके पास 0.19, तो देखिए बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 99/1,2,3,000 आ जाएगा, एंड आपके पास देखिए एंड लगा देते हैं, एंड 9/1 क्या आ गया आपका 100 आ गया, इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई, तो आपका 99 into 100 एंड 19 into 1000,
90 into 100, 90 into 1000, तो देखिए बेटा क्या 99 and 19,000. अब अंडरस्टूड आपको दिख रहा होगा ये 19,000 इज ग्रेटर, वैल्यू ऑफ 19,000 ग्रेटर देन 99,000 से 19,000 ग्रेटर है, 9900 लेस 19,000, क्लियर है बेटा. 9900 आपका क्या है 0.099 लेस देन 0.19, क्लियर है बेटा. यहाँ पे ये आपका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ से आपको मिल गया है, ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे से आपको रिक्वायर्ड आंसर आपका मिल चुका है, क्लियर है. इसी के साथ ही देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगला आपके पास जी पार्ट है, ठीक है. क्या है आपका जी, ठीक है. तो जी देखिए आपके पास जी थोड़ा सा आपका लॉजिकल है, 1.5 और 1.50, क्लियर है बेटा. यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना बेटा, अगर आपका ये 1.05 जो होता है टू डिजिट काउंट करते हैं, लेकिन ये 5 के बाद 0 है तो इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम आपके पॉइंट के बाद 3 0 लगा ले, 4 0 लगा ले, इसका कोई मीनिंग नहीं होता. आपका यहाँ पे 0 है, इस 0 का आपका मीनिंग है, लेकिन इसके 0 में इसके पीछे मैं 0 लगा दूं उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, बिकॉज 0 से 0 आके बाद में कट जाना है, क्लियर है. तो अगर आप चाहते हैं अपनी सहूलियत तसल्ली के लिए लगा सकते हैं यहाँ पे. तो देखिए क्या हो गया, 15/10 और आपका 150/ में आपका कितना है 100, कैंसिल आउट हो गया, इसे मल्टीप्लाई होगा उधर होगा 15 × 10 और 15 × 10, तो क्या आ गया आपका 150 और 150, दैट मीन्स 150 किसके इक्वल आएगा आपके पास, 150 के इक्वल आएगा किसके इक्वल आएगा बेटा आपका 150 के इक्वल ही आएगा. समझ आ गया आपको बातें, यह आपका जी हो गया है, क्या हो गया आपका जी हो चुका है, ठीक है. इसके बाद हम आई देखते हैं, देखिए आई में सेम आपके पास सेम टाइप का है. आई में देखिए बेटा आपका 3.3 और 3.300, तो देखिए बेटा 33/10 और 3300 डिवाइड बाय 1, 2, 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, 2 0 क्या कैंसिल, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई 33 × 10 और 33 × 10, तो आपका 330 और 330, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल 330 इज इक्वल टू 330, दैट मीन्स 3.3 आपका इक्वल आ गया किसके, 3.300 के आपके इक्वल आ गया, क्लियर है आपको. यहां तक कोई डाउट, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सारा. बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स आपने सबके रिमेनिंग पार्ट्स आपने इसके कमेंट्स में करके दिखाने बेटा, अगर आपको समझ आया तो कमेंट्स में करके दिखाने हैं, अगर कमेंट्स में करके नहीं दिखाते दैट मीन्स आपको समझ नहीं आया, तो आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए दूसरी वीडियो भी बना सकता हूं. इसे नोट डाउन करिए पहले आप लोग. तो देखिए बेटा इसमें आप लोगों ने सारा का सारा नोट कर लिया होगा 8.3. बाकी इसमें आपको बोला गया है 5 more examples, आप ना 4 और examples बनाने हैं, ठीक है. आप कुछ भी बना सकते हो examples, देखिए 5 more examples के लिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता दूं ताकि आप अपने व्याप पे खुद भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है. देखिए अब देखिए 5 more examples में सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास 8.3 आई थिंक मे बी यहीं तक ही है, नेक्स्ट 8.4 है, ओके. 5 more examples आपके पास, तो देखिए 5 more examples में देखिए सबसे पहले आप कोई भी ले सकते हो 1.75 और यहां पे ले लिया 1.750 इस तरीके से, तो देखिए 1.75 का 1/100, ठीक है, ये आपका आ गया और यहाँ पर 1750/1000 आपका आ गया, कैंसिल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाई था ये 1.75 × 100 एंड 1.75 × 100, क्लियर. तो 175 10 and 175 00, दैट इज 175 00 = 175 00, ये आपका इक्वल आ गया, क्या आ गया आपका, ये इक्वल आ गया. एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास 1.23 एंड आपके पास देते हैं एंड 1.023, क्लियर. अब देखिए 1, 2, 3 / 100 आ जाएगा एंड 1023 आपका 1, 2, 3 डिजिट आपका 1000 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 1, 2, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई एंड 1023 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो देखिए 1, 2, 3 एंड 1023 00 आपको दिख रहा है यहाँ पे 10,000 आपको, देखिए आपके पास
123,000 है, यहाँ 123,000 है, नाउ 123,000 अंडरस्टूड इज 123,000 इज ग्रेटर देन 102,300, देयरफॉर 123 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1.023, दैट इज राइट। सिमिलरली यू कैन राइट मोर देन मोर थ्री एग्जाम्पल, इसी तरीके से आप ज्यादा थ्री एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो आपके तीन एग्जाम्पल है मैंने आपको दो एग्जाम्पल बता दिया आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 8.3 कम्प्लीट हो गई है। आई होप आपको पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आपने इसको पूरा एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा।